Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Adeshi Solanki, your lecturer at NGD Guide, and today we will be learning about India and Myanmar relations. Okay, so international relation mein humne bahut sari countries cover kar liye hain. Look, have a look here. Myanmar idhar hai, Bangladesh idhar hai, India. So all the states which are bordering Myanmar, you should be knowing them. तो अभी हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया. ठीक है, कि म्यांमार की इंडिया को क्या इंपॉर्टेंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यांमार जो है हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी आता है और एक्ट ईस्ट जो हमारी इंडिया की पॉलिसी है उसमें भी आता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट मेक्स इट अ लिटिल इंपॉर्टेंट. दूसरा, म्यांमार में रिसेंटली इन फरवरी 2021 कूप हैपेंड, मिलिट्री कूप, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, मिलिट्री ने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया था. ओके, और ऑन सैन सू क्वी जो है उनको प्रिजनमेंट करवा दिया है. तो दैट इज़ अ बिग इंटरनेशनल इशू दैट इज़ गोइंग ऑन. सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि वहाँ पर मिलिट्री कंट्रोल है अभी, एंड मैनी कंट्रीज हैव मेड इन देयर माइंड कि अब तो मिलिट्री से ही हमको कनेक्शन बनाने पड़ेंगे. ठीक है, दो इंडिया का स्टांस अगर आप पूछें तो इंडिया स्टिल वॉन्ट्स द डेमोक्रेसी टू गेट रीस्टोर देयर, बट स्टिल अब इतने साल हो गए हैं और आगे का भी ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री ही रहेगी वहाँ पर. तो इंडिया को भी अब कुछ ना कुछ करके म्यांमार की मिलिट्री से रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे. नाउ मूविंग ऑन, म्यांमार जो है जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए. क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियन ज्योग्राफी के जो है वो सेंटर में आता है. ठीक है, म्यांमार इज द ओनली कंट्री दैट सिट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो दोनों में आता है. ठीक है, देन सागर, इंडिया का जो सागर है, सागर का फुल फॉर्म दे माइट आस्क यू समडे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. ठीक है, तो इंडिया का एक सागर विजन है ना. अब ये विजन जो है मैरीटाइम रिलेटेड है, इंडियन ओशन में जितने भी कंट्रीज हैं आसपास उन सबसे रिलेटेड है इंडिया का ये सागर विजन. इसमें व्हाट इट इज डूइंग, इट इज डेवलपिंग पोर्ट्स और समथिंग लाइक दैट एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेज रिगार्डिंग द ओशन एंड मैरीटाइम इशूज. ठीक है, अब इसमें जो एक मेन कंसर्न है म्यांमार को लेके वो ये है कि चाइना म्यांमार में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है जिसका नाम है क्वाक्यू, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज अ बिट ट्रिकी. ठीक है, तो दिस पोर्ट चाइना इज डेवलपिंग इन म्यांमार. सो व्हाई इज इट अ कंसर्न फॉर इंडिया? वो सिक्योरिटी कंसर्न इसलिए है क्योंकि ये जो है हमारा जो इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन बेस है उसके बहुत ज़्यादा पास में है. ठीक है, तो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है इस सेंस में. तो इंडिया भी फिर एक पोर्ट डेवलप करने लग गया है म्यांमार में, जिस पोर्ट का नाम क्या है इधर आपको दिखेगा, वेयर इज इट, ये रहा, सितवे पोर्ट. ठीक है, तो इंडिया ने भी एक सितवे पोर्ट डेवलप किया है म्यांमार में जस्ट इन रिस्पॉन्स टू द चाइनीज पोर्ट. इसका हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, क्योक्प्यू. ठीक है, क्योक्प्यू पोर्ट. तो ये म्यांमार की लैंग्वेज में ही है इसलिए इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रोनाउंस. नाउ तो इंडिया ने उसके रिस्पांस में ये पोर्ट डेवलप किया है राखीन स्टेट में. देन वन आगे हम बढ़ते हैं तो इधर लिखा हुआ है दिस पोर्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय चाइना अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको याद होगा, नेपाल में भी है चाइना का पाकिस्तान में भी है, एंड इट इज़ हिंडरिंग इंडिया क्योंकि इंडिया के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट से बढ़ जाते हैं. ठीक है, देन दिस इज़ डेंजरसली क्लोज टू आर इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन बेस. ठीक है, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बट हम हर चीज़ हमारी हर प्रॉब्लम के काउंटर हम क्रिएट कर देते हैं, जैसे हमने इसमें सितवे पोर्ट से किया है. नाउ मूविंग ऑन, ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द कूप. ठीक है, अब मिलिट्री कूप का ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या था? सबसे पहले चाइना ने जो है म्यांमार में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. ठीक है, वेट, चाइना इज़ इन्वेस्टिगेटिंग एंड पुलिंग म्यांमार इन टू इट्स ऑर्बिट. ठीक है, अब ऐसा चाइना क्यों कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर म्यांमार डेमोक्रेसी होगा तो फ़ायदा किसको होगा? इंडिया को होगा ऑफकोर्स. म्यांमार में मिलिट्री है तो फ़ायदा होगा चाइना को, और चाइना इस चीज़ से पूरा फ़ायदा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. जापान, साउथ कोरिया और जितनी भी आसियान मेंबर्स हैं उन्होंने अपना पीस डेवलप कर लिया इस चीज़ से कि अब उनको मिलिट्री से ही अपने रिलेशन से ही करने पड़ेंगे. तो बहुत सारे कंट्रीज जो हैं मिलिट्री से री एंगेजमेंट कर रहे हैं अपने रिलेशन को लेकर. कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर जो है इनने भी शेड्यूल किया था मीटिंग जनवरी 2022 में सो दैट दे कैन री एंगेज देयर रिलेशंस इन द सेम वे. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या हैं मिलिट्री कूप से और म्यांमार से? हमें चैलेंजेस भी तो होंगे कुछ मिलिट्री के आने के बाद. तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है. ठीक है, तो एवर सिंस द कूप चाइनीज इकोनॉमिक ग्रिप ओवर म्यांमार हैज़ बिकम टाइटर. ठीक है, विद स्पेशल फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स कैसे? ये वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले प्रोजेक्ट्स जो चाइना डेवलप कर रहे हैं म्यांमार में. पोरस इंडो म्यांमार बॉर्डर्स का मतलब क्या है? इंडो म्यांमार के जो हिली टेरेस बॉर्डर टेरेन बॉर्डर है उसका मतलब क्या है? वो इतना ज़्यादा अनइवन सरफेस है और इतना ज़्यादा हिल्स और ये सब बीच में है कि वो ईजिली बहुत सारे लोग वहाँ पे जो
टेररिस्ट एक्टिविटी या ड्रग ट्रैफिकिंग और ये सब एक्टिविटीज़ जो करते हैं, ठीक है, उनको ईजिली वहाँ पे शेल्टर मिल सकता है उन बॉर्डर्स पे, क्योंकि वो पोरस है तो ईजिली आना जाना भी हो जाता है ऐसे मिलिटेंट्स वगैरह का. नाउ 1643 किलोमीटर लॉन्ग जो हमारी बॉर्डर है इंडो म्यांमार की, इट फैसिलिटेट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मिलिटेंट्स, इलीगल आर्म्स एंड ड्रग्स, ठीक है, और ये एक्सट्रीमली पोरस है. अब बॉर्डर से याद आया, म्यांमार से ही रिलेटेड एक रोहिंग्या क्राइसिस है, रोहिंग्या मुस्लिम वाला क्राइसिस है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार के जो थे वो बांग्लादेश होते हुए इंडिया में एज अ रेफ्यूजी आ गए. उससे हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इशू भी आया था, तो दैट वॉज फ्रॉम म्यांमार ओनली. नाउ तो पोरस बॉर्डर है तो उससे मिलिटेंट का प्रॉब्लम होता है, इलीगल आर्म्स का प्रॉब्लम होता है, ड्रग्स का प्रॉब्लम होता है टू अस. द बॉर्डर रन्स अलॉन्ग हिली एंड इनहॉस्पिटेबल टेरेन एंड प्रोवाइड्स कवर टू एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स, ठीक है, तो ये ग्रुप्स को जो है वो एज अ शेल्टर मिल जाता है उन हिली स्लोप्स और टेरेन पे. नाउ मूविंग ऑन, हमारा आगे का वे क्या होना चाहिए, हमें आगे अब कुछ तो रिजॉर्ट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों में. तो सबसे पहले वी विल हैव टू मेक श्योर दैट वी मेक डेवलप अ बिट पीस, दो हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रिस्टोर हो वहाँ पे, बट जब तक मिलिट्री रहेगी तब तक हम पूरा अपना नज़र फेर नहीं सकते, हमें म्यांमार से तब भी मिलिट्री रिलेशन में भी कुछ ना कुछ आगे मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा मिलिट्री को. The role of Myanmar's army would be key to the unfolding of any democratic transition there. So India's active engagement would be needed. है ना, तो इंडिया का मिलिट्री एंगेजमेंट अभी ज़रूरी है म्यांमार से. Even as India continues to call for a restoration of democratic process, वो पूरा ही है कि इंडिया का belief, though it is for democratic restoration, but still we will have to engage with Myanmar's military. Now, cultural diplomacy. देखो, cultural diplomacy में क्या है, बुद्धिज़्म को लेके, you all know China और इधर हमारे बुद्धिज़्म को लेके बहुत ज़्यादा हमारे बीच में एक common religious interest है. तो India's cultural diplomacy through the lens of Buddhism can be leveraged for strengthening its ties with Myanmar. तो हम बुद्धिज़्म को लेके, हमारा religious एक common tie को लेके हम म्यांमार से और ज़्यादा थोड़ा हमारा रिश्ता बढ़ा सकते हैं, ठीक है. और रोहिंग्या वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो रहा है, बट इसको और अच्छे से कम्प्लीटली हम रिजॉल्व कर सकते हैं, सो दैट हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी ना रहे बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियाज एंड म्यांमार्स रिलेशन, व्हाट हैपेंड इन म्यांमार रिगार्डिंग द मिलिट्री कूप, एंड देन इंडिया एंड म्यांमार का रिलेशन कैसे अफेक्ट हुआ, हम क्या क्या कर सकते हैं उसको कोप अप करने के लिए, व्हाट वर द पोर्ट्स दैट वर डेवलप्ड बाय चाइना फॉर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, व्हाट डिड इंडिया डू, नाउ व्हाट शुड वी डू फॉरवर्ड, ठीक है. तो इस सारे पॉइंट डिस्कस हुए हैं. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द पॉइंट्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड. जब भी आपको कोई भी इंडिया म्यांमार के रिलेशन के बारे में बताए या म्यांमार के बारे में डिस्कस करें, वेदर इन SSB, वेदर इन GD, वेदर इन लेक्चरेट, डू मेंशन ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स फॉर ब्राउनी मार्क्स, ओके. एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद.